हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शांतनु प्रियदर्शी चैनल। तो गाइज, इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हर वीडियो की तरह ही मैं इस बार भी उस तरह का वीडियो आप सभी के पास लाया हूँ जहाँ का वीडियो शायद ही किसी यूट्यूबर ने बनाया होगा। तो गाइज, आज हम जिस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास में है और वो हिडन जैम है। तो गाइज, मैं आप सभी को पहले ही बता देता हूँ कि वो जो दुकान है वो लिट्टी का दुकान है और वहाँ का लिट्टी वहाँ के लोकल्स के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट अभी तक उसको उस तरह का पहचान नहीं मिला है जो वहाँ के लोकल्स लोग हैं वही लोग उस जगह को जानते हैं। तो अब गाइज, हम आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और सीधा आप सभी से यही कहते हैं, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए इस वक्त मोटिवेशन का काम करता है। गाइज, प्लीज़ गाइज, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो गाइज, अब सीधा हम आप सभी से पटना जंक्शन के उसी दुकान पे मिलते हैं। फाइनली गाइज, अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां का लिट्टी पटना जंक्शन के पास काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो गाइज, मैं आप सभी को इसका लोकेशन तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, अगर आप गाड़ी से बाइक से आ रहे हो तो आप इस जगह पे सीधा पहुंच जाओगे। तो उसका जो यहां का एड्रेस है, उसका जो लिंक है, यहां का लोकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के तरफ से आ रहे हो तो आप किसी से भी अगर पूछोगे कि पीपल के पेड़ के पास जहाँ पे लिट्टी बटर लगा करके खिलाया जाता है, उसका लोकेशन आप सभी को बता देंगे। ऐसे बेसिकली आपको यहाँ आने के लिए चौरसिया जी के लिट्टी भंडार के पास आना होगा, जो कि पटना का काफ़ी चर्चित लिट्टी का दुकान है। इधर गाइस, गोपी कृष्णा भंडार इस दुकान का नाम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं। दो लिट्टी 25 ग्राम मक्खन के साथ आप सभी को 34 रुपया पड़ जाएगा, बाकी सब आप हाउस करके देख लीजिए। स्टेशन काफी हिडन है, उसके बाद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग आते हैं, तो इसका मतलब इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ का लिट्टी लोकल्स के बीच कितना ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आ रहे हैं और इसी के लिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ। मैंने भी कहीं पे ये इसके बारे में सुना तो मुझे भी लगा कि नहीं, इस जगह का एक वीडियो आना चाहिए। तो अब यहाँ के जो स्टाफ्स हैं या फिर यहाँ के ऑनर हैं, उन सभी से बात करते हैं। कब से ये दुकान है सर? हम 81 से चला रहे हैं, मेरा पहले दादाजी चलाते थे। अच्छा, दादाजी चलाते थे। और ये चोखा में आप क्या क्या यूज करते हैं? आलू, बैंगन, टमाटर, आदि, लहसुन, मिर्चा, गुलकी। अच्छा। जीरा, नमक, तेल। थोड़ा बहुत इस लोकेशन के बारे में आप कस्टमर्स को बता सकते हैं? कहने बताए, बता दीजिए। बोलिए, किस जगह पे ये दुकान है? न्यू मार्केट आने के लिए क्या? न्यू मार्केट कब्रखाना में। कब्रखाना में? हाँ। अच्छा, और प्राइस क्या रखे हैं? कब से यहाँ पे लिट्टी अवेलेबल हो जाता है? हम 25 पैसा से बेच रहे हैं। अच्छा, अब हो गया 12 रुपया। 12 रुपया। और यहाँ पे कब कितने बजे से लिट्टी मिलना? 4:30 बजे से। 4:30 बजे शाम से? हाँ, 10:30 बजे रात का। अच्छा, तो ये 50 ग्राम मक्खन गाइस जा रहा है और 2.50 हमने भी ऑर्डर लगाया है। 2 लिट्टी 50 ग्राम मक्खन के साथ। भैया, कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैंने किसी जगह फूड ब्लॉगर से मैं देखा था। अच्छा, 2 दिन पहले, ठीक ना? उसी को देख कर मैं दोबारा आया हूँ। कैसा लगा आप? खाने में काफ़ी टेस्टी है, पुरानी याद इससे जुड़ा हुआ है, खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। आपको कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा। आपको सर कैसा लगा? काफ़ी स्वादिष्ट है। फर्स्ट टाइम आए? कब से? नहीं, लगभग 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से? 3 साल से आ रहे हैं ना। अच्छा, कब से यहाँ पे आ रहे हैं आप? 2 साल से। 2 साल से कंटिन्यू आए जा रहे हैं? जी जी। तो आप घी वाला मक्खन वाला लिट्टी नहीं लिए हैं? ऐसे ही खाने का मन है आज। ऐसे ही खाने का मन है? आप तो भैया पूरा खा लिया, आप बताइए आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? वही करीब 6-7 साल हो गया। 6-7 साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं? जी, पहले बकरी मार्केट था ना। अच्छा, बहुत ध्यान। 2 लिट्टी 50 ग्राम मक्खन के साथ निकाल करके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री में आप सभी को मुरई भी दे देते हैं। मुरई, चटनी, मिठाई। और अब इधर चोखा भुंजा जा रहा है। इधर चोखा भुंजा जा रहा है और
चोखा जो रहता है आलू बैगन का रहता है, और ये चोखा भी अब गया इसके अंदर, और पूरा चोखा फ्राई करके एकदम सामने निकालते हैं। आई थिंक ऐसा बहुत कम ही दुकान होगा जहाँ पे आप सभी को इस तरह का मेकिंग देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे गाइज मेरा 2 लिट्टी 50 ग्राम बटर के साथ, और बटर में ही चोखा को भूंज करके मुझे मेरा ऑर्डर आ गया है, और साथ में 2 मिर्च दी हैं, मिर्च तो हम खाते नहीं हैं, और चटनी प्याज मूली सब कुछ यहाँ पे आप सभी को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो लोगों का तो ओपिनियन गाइज आप सभी को मिल दिख बता ही दिया गया कि उन लोगों को कैसा लगा। रहा मेरा ओपिनियन, क्योंकि मेरे ओपिनियन के साथ साथ लोगों का भी ओपिनियन मैटर करता है, और हिडन जैम है यहाँ पे बहुत, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रिमोट है यहाँ पे, आपका नेटवर्क काम करता है मगर आप सभी को एग्जैक्ट लोकेशन कोई बता नहीं सकता है। मैंने आप सभी को पहले भी बता दिया कि इस दुकान का जो लोकेशन लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 2 पीस लिट्टी है, लिट्टी को भी देखिए पूरा तोड़ करके 50 ग्राम मक्खन में लगाया गया है, और चोखा भी एकदम सामने फ्राई करके देते हैं जिसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए रहते हैं। आई थिंक इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है आप सभी को पटना में शायद ही किसी जगह पे खाने के लिए मिलता है। तो अब टाइम आ गया है इसको ट्राई करने का, और उसके बाद आप सभी को हम रिव्यू करते हैं कि हमें कैसा लगता है यहाँ का लिट्टी चोखा, क्योंकि लोगों को तो काफ़ी अच्छा लगा, और उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे भी उतना ही अच्छा लगेगा। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और मुझे लिट्टी भी काफ़ी अच्छा है, और चोखा तो खैर सोने पे कह सकते हैं सुहागा है। चोखा का को जिस तरह से फ्राई करके हमें दिया गया है इसका टेस्ट काफ़ी एक अलग तरह का टेस्ट लग रहा है, और बटर जो है वो तो ओरिजिनल आपके आँख के सामने ही डालेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री में प्याज मूली भी मिल जाता है। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप पटना जंक्शन आओ या फिर पटना से भी आप हो तो इस दुकान में आप आ करके लिट्टी चोखा खाना काफ़ी आपका वर्थिट रहेगा। ये दुकान बेसिकली आप इस्कॉन टेम्पल भी घूमने के लिए आते हो तो आप इस जगह पे आ सकते हो, और हमको लगता है कि लोगों को यहाँ पे आ करके एक बार इनका लिट्टी चोखा जरूर ट्राई करना चाहिए। तो गाइस लिट्टी खाने में तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, काफ़ी जो उसका चोखा था काफ़ी अच्छे तरीके से प्याज में उसे भूंजा गया था, और जो बटर रहता है उसी में भूंजा गया था, काफ़ी खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था गाइस। और गाइस इस वक्त मैं पटना बख्तियारपुर नेशनल हाईवे पे हूँ, और अभी मैं अपने गांव के तरफ जा रहा हूँ। इतना एफर्ट्स के लिए कम से कम 1 लाइक, और चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या जाता है गाइस 1 लाइक 1 सब्सक्राइब ही बस आप सभी को करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का इस ब्लॉग का मैं अंत करता हूं, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।